नमस्कार, मैं अंशुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। शासन की लाख शक्ति के बावजूद गौवंशियों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के महरिया स्थित स्थायी गौशाला में शनिवार को 15 मवेशियों की सौ मिले हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हंगामे के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और जाँच में जुट गए। सिद्धार्थनगर जिले के सदर तहसील क्षेत्र में महरिया स्थित स्थायी गौशाला में गौवंश के मरने का सिलसिला जारी है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया है। शनिवार को गौशाला में कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर उन्होंने पाया कि 15 गायों के 100 गौशाला व आसपास में पड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि इस स्थानीय गौशाला का निर्माण 1,20,00,000 की लागत से कराया गया है, लेकिन यह गौशाला बदहाली के कगार पर है। इस मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने बताया कि वे गौशाला के निरीक्षण के लिए यहां आए थे, लेकिन यहां की हालत देखकर वह अवाक रह गए। यहां पर 4 गाय गौशाला के अंदर और भारी संख्या में बाहर मरी पड़ी हुई हैं। यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर वे काफी आक्रोशित दिखे। इसे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। छोटन ब्लॉक से हम लोग निरीक्षण करने आए थे महरिया गौशाले का। ये माननीय हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोग जब मौके पे पहुंचे यहाँ पे तो कोई व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ गोबर गंदगी जितनी 10-10 दिन से पड़ी हुई है। गाय बेचारी हौदी में पड़ी हुई है, तड़प तड़प के मर रही है। किसी की आंख में आंख, कितनी गाय को मैंने देखा आंख उनकी नहीं। मैंने पूछा यहाँ कार्यकर्ताओं से, उनका जवाब था कि कौवे निकाल ले जा रहे हैं। 1,20,00,000 रुपया लागत से ये सब पूरी प्रोजेक्ट की बना हुआ है। क्या सरकार मेरा, इसीलिए सरकार हमारी पैसा देती है? प्रधान जी से हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं ऐसा करो, सारी गाय छोड़ दो, हिंदू आवानी संगठन वाले जेल जाएंगे। ये बताइए, कोई पूछने का तरीका, कोई बात होती है प्रधान की? वो जिम्मेदारी से अपने भाग रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट बनवाए होंगे, सरकार पैसा नहीं दी है। आज आप यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचे, कितनी गाय यहाँ पे आपको मरी हुई मिली, कितनी की गंभीर हालत है? 4 तो सर मौके पे मरी हुई मिली है, बाकी जो है कोई नादे में पड़ी हुई है, किसी के पैर में कीड़ा पड़ गया है, किसी का पीठ कटा हुआ, किसी गाय का आप देखे होंगे पूरा गले में पूरा खून से लथपथ है। मतलब कोई डॉक्टर यहाँ की जिम्मेदार नहीं है। जिला अधिकारी महोदय को छोड़ के जितने इस विभाग के से जुड़े हुए हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। माननीय लेखपाल महोदय, कोई अधिकारी भी आया था बात करने पे गर्मी गर्मा कर रहे थे। बात करने की किसी को तसल्ली नहीं है। गौशाले के नाम पे सब लोग भगना चाहते हैं। सरकार पैसा अगर तनख्वाह किसी को दे रही है, कोई काम करने के लिए दे रही है, अगर ड्यूटी उनकी लगी है तो अपने ड्यूटी से भगना चाहते हो। ऐसा अगर ये लोग सुधार नहीं करेंगे तो हमारी हिंदू वाहिनी की संगठन की टीम 500 के साथ जिला मुख्यालय पे घेरने का कार्य करेगी। हम लोग कतई ये गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, इसको देखा गया है, अभी 3-4 गाय तो सामने देखे हैं हम, और इसका अभी रजिस्टर भी कस्टडी में लिया गया है, और यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हैं उनका भी रजिस्टर मांगा गया है। उसके बाद से उसकी जांच पड़ताल करा करके जो भी चीज होगी उस पर कार्रवाई होगी। 15 गायों की चर्चा हो रही है कि 15 गायें हमारी यहाँ पर जो अभी सामने देखा गया, 4 गायें दिखाई दी थी, और अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, 11 गायें तो बगल में पड़ी हुई है, वीडियो भी आ रहा है। अरे भाई, तो यहाँ देखे हैं जितना उतना हमको बोले थे ना, तो ठीक है। तो अभी जो ये लोग संज्ञान में डाले हैं उसका भी रजिस्टर लिया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। आज तो सब मरी हैं, 4-5 गाय। बीते एक हफ्ते में कितनी गाय मरी? बीते एक हफ्ते में सर मुझे टोटल जानकारी नहीं है, जो पहले मरी थी वही उसको हटा दिया, खुदाया गया था गड्ढा। 11 तो एक जगह पड़ी हुई है सामने, तो उनकी डेड बॉडी देख के लग रहा है कि 2-4 दिन में वो मरी है, 4 आज दिख रही है। आप कह रहे हैं हमें पता सब नहीं। यहाँ सब अगर आप गांव के लोग होके और आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपको नहीं पता जिम्मेदारी सब। यहाँ आदमी काम कर रहे हैं, भूसा दाना बराबर दे रहे हैं। बात यह सर, जो गाय आई थी वहाँ अभय उभयपुर से, सब बहुत गंभीर हालात में थी। किसी का पैर यहाँ उतार रहे थे, टूट गया और सब धराशायी हो गई थी। उसी समय डॉक्टर लोग आते, दवाई ववाई करते थे, उसमें से कुछ बची हैं, कुछ जो है मर गई। या तो गंदगी के समर रही, गंदगी या तो उनको खाना नहीं, अब गंदगी सा भूसा या बीमारी है, कोई ऐसा बाहर की गंदगी तो आया नहीं है। ये भूसा जो गिर रहा है उसी मुंह उतर रही, उसी से हो जा रहा है, और कोई ऐसा गंदगी थोड़ी है कि बाहर से आके कोई गंदगी। आदमी है कुछ, वो किसी का कोई बीमार है, 10-12 लोग आते हैं, बराबर आते भी नहीं है, और मजदूरी कम पाते हैं, पैसा नहीं मिलता है टाइम से, कितना कैसे कोई काम करेगा। तो कभी शिकायत की आपने किसी? हमने कहा, अपने अधिकारियों से कहा है, डीएम साहब से कहा है, हमारा काम 5-7 लाख रहेगा, 2 लाख रुपया भेजेंगे तो कैसे काम होगा।
मतलब जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, इस वजह से समस्या आ रही है। इससे समस्या आ रही है सर। अभी देखिए 3.5-4 लाख रुपया भूसा का बाकी है, उसको पेमेंट नहीं, मजदूरों का 3-4 महीने से पैसा नहीं पाए हैं, कैसे कर रहे हैं, उसी में सबको मैनेज करना है। 30 रुपया गाय मिलता है और 8 रुपया किलो भूसा मिलता है, दाना का अलग, कैसे इसमें होगा मैनेज? मतलब सबसे बड़ी वजह आपको पर्याप्त पैसा न मिलना, आर्थिक वजह है। इसका मतलब शासन आपको उतना पैसा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा सर, मुझे नहीं दे रहा है। बताए 30 रुपये कैसे खिला, उसमें मानदी भी देना है, 4 किलो भूसा 32 रुपया भूसा का हो गया। बड़ी प्रॉब्लम है सर, कैसे चल रहे हैं हम, कई लाख कर्जा हो गया इसी बनवाने में।